बेगम साहिबा, अब्रार साहब तो पूरे घर में देख लिया, वो तो नहीं है। नहीं अम्मी, फोन नहीं उठा रहा है वो। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बकार? उसाना फोन पे फोन किए जा रही है, उनको क्या जवाब दूं मैं? मेरे ख्याल से उनको हकीकत बता देते हैं। किस मुंह से बताएंगे बेटा, किस मुंह से? तो फिर और क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। वहां सब लोग जमा हैं। आंटी, वकार ठीक कह रहे हैं, उप्पो को सच तो बताना ही पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से रुखसाना के पास जाने से पहले हम लोग को एक बार इकरार के घर जाना चाहिए। नहीं, नहीं, मेरी इकरार से बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में वो इतना बड़ा झूठ बोलेगा मुझसे। लेकिन बेटा, एक बार जाके तसल्ली करने में क्या हर्ज है? हाँ, क्या ख्याल है आपने? चलिए ठीक है, मैं फिर से फोन करके देखता हूँ। हेलो इकरार, और बताइए आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत मजा आ रहा है। और मिकाइल भाई, लड़के वाले कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे, आप लोग बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुमानी जान, कहाँ रह गई थी आप? सब लोग पूछ रहे थे, और इब्रार नजर नहीं आ रहा। बेटा, तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। अम्मी कहाँ है? अब अम्मी मेहमानों के साथ बिजी हैं मोमानी जान, क्या बात है मुझे बताइए। और रानिया, रानिया किधर है? अब रानिया अपने कमरे में है। ओह माय गॉड,